जो जो भाई विदेश में नौकरी करने के लिए इंटरेस्टेड है, इच्छुक है, ये वीडियो उन सब भाइयों के लिए है मेरे पास एक वैकेंसी आई है जो कि एक बहरेन के लिए है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह, मैं 3 साल से विदेश में काम कर रहा हूँ। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाय, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल NRI भूपेंद्र सिंह। आज मैं आप सबके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो को स्किप मत करना। जो भी भाई ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। जिन जिन भाइयों को मेरे नौकरी के लिए इंटरेस्टेड है विदेश में, तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखें और अंतिम तक देखें। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ मेरे पास किस किस डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसीज आई हुई है। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ जो भी डाउट है। तो मेरे पास वैकेंसी सिर्फ होटल के लिए है, 5-स्टार होटल इन बहरेन। ओके, सबसे पहले मैं बात करता हूँ फ्रंट ऑफिस की। मेरे पास फ्रंट ऑफिस की भी वैकेंसी आई है इस बार। पिछली बार मेरे को बहुत से भाई बोल रहे थे कि फ्रंट ऑफिस की वैकेंसी अगर आएगी तो मेरे को बताना। तो अभी एक एक भाई को मैं मैसेज तो नहीं कर सकता कि अभी वैकेंसी आई हुई है। तो इसलिए ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब कि एक ही बार में वीडियो बना दो, उस पर जो भी अपडेट्स है, जो भी न्यूज़ देनी है मुझे, वो मैं एक ही वीडियो में सभी भाइयों के लिए दे सकता हूँ। तो जिस जिस भाई को ज़रूरत है तो वो वीडियो को देख सकते हैं, लास्ट तक देखें वीडियो को, ताकि आप लोगों को प्रोसेस समझ आ जाए। मैं पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ कौन कौन सी पोजीशन के लिए वैकेंसी मेरे पास है और आप लोगों को कैसे अप्लाई करना है, वो भी मैं पूरा डिटेल बताऊँगा वीडियो के अंतिम तक। आप बने रहें। तो चलो मैं फ्रंट ऑफिस से ही स्टार्ट कर देता हूँ। पहले रिसेप्शन लिस्ट की वैकेंसी है मेरे पास। ओके, मेल फीमेल दोनों चाहिए। जो भी हमारी बहनें है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज़ में, वो भी अप्लाई कर सकती है। रिक्वायरमेंट है मेल फीमेल। सैलरी मैं बता देता हूँ इसका, 150 to 175 बीडी है। ये बीडी बहरेन का करेंसी है। ओके, तो उसके बाद मेरे पास वैकेंसी है हाउसकीपिंग के लिए। हाउसकीपिंग में आपका सैलरी रहेगा 150 से 180 बीडी। इसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकता है। ओके, तो नेक्स्ट वैकेंसी है मेरे पास, सेम है, हाउसकीपिंग डेस्क अटेंडेंट। ओके, हाउसकीपिंग डेस्क अटेंडेंट का जो सैलरी रहेगा वो 110 से 120 बीडी रहेगा। इसको आप इंडियन करेंसी में करंट कन्वर्ट करते रहना। और हाउसकीपिंग सुपरवाइज़र का भी वैकेंसी है। हाउसकीपिंग सुपरवाइज़र का वैकेंसी है, मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार, क्योंकि हाउसकीपिंग में तो बहुत से भाई है, बाकी काफ़ी ऐसे भी है जो हाउसकीपिंग सुपरवाइज़र में अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी एक अच्छी खबर है। हाउसकीपिंग सुपरवाइज़र का सैलरी जो रहेगा आपका 150 से 180 बीडी रहेगा। 150 से 180 बीडी। ओके, और हाउसकीपिंग में ही रूम अटेंडेंट का है। रूम अटेंडेंट इसमें 100 बीडी रहेगा जो इसका सैलरी रहेगा। ये ओनली जो मैं सैलरी बता रहा हूँ, ये ओनली बेसिक सैलरी है। इसके बाद चलता हूँ मैं किचन डिपार्टमेंट की तरफ। किचन की भी बहुत सारी वैकेंसी है। CDP है, कॉन्टिनेंटल में चाहिए। CDP कॉन्टिनेंटल की सैलरी आपकी रहेगी
175 to 200 BD, ओके 200 BD तक सैलरी रहेगी CDP कॉन्टिनेंटल की। और इसी में किचन स्टीवर्ड है, किचन स्टीवर्ड की सैलरी रहेगी आपकी 90 to 100 BD, ओके। तो इसके बाद चलते हैं फूड बेवरेज में, F&B सर्विस में। F&B सर्विस में आपकी सबसे पहली पोस्ट है बैंक्वेट मैनेजर की। बैंक्वेट मैनेजर बहुत कम वैकेंसी निकलती है मैनेजर लेवल की, तो जो भी अप्लाई करना चाहता है बैंक्वेट मैनेजर के लिए तो वो भाई भी अप्लाई कर सकता है। उसकी सैलरी आपकी रहेगी 250 से 300 BD, 250 to 300 BD सैलरी रहेगा बैंक्वेट मैनेजर का। उसके बाद आता है F&B सुपरविज़र। F&B सुपरविज़र का जो सैलरी रहेगा 150 to 175 BD रहेगा, 150 to 175 BD सैलरी है F&B सुपरविज़र का। फिर उसके बाद आता है बारटेंडर। बारटेंडर की भी वैकेंसी है, बारटेंडर में 150 से 175 BD सैलरी रहेगा, ओके। इसके बाद आता है कैशियर का। कैशियर में भी 150 से 175 BD सैलरी रहेगा। बस फ़िलहाल मेरे पास यही पोस्टों के लिए हायरिंग चली है, ओके। बाकी अदर पोस्टों के लिए भी वैकेंसी आएगी, वेटर वेटरेस, कुक, कॉमीज, क्लीनर, उन लोगों के लिए भी मेरे पास वैकेंसी आएगी। वो भाई भी इंतज़ार करें, वीडियो को मेरे देखते रहें। मेरा YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब करके रख लें, बेल बटन का आइकन है उसको बेल को प्रेस करके रखें ताकि जो भी मेरी अपडेट वीडियो आएगी वो आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी बात कर लेते हैं कि बेनिफिट्स क्या क्या है। आपको ड्यूटी मिल मिलेगा इसमें कंपनी की तरफ से, ड्यूटी मिल रहेगा फ्री, एकोमोडेशन फ्री मिलेगा, मेडिकल इंश्योरेंस फ्री मिलेगा एंड किचन फैसिलिटीज़ जो होते हैं इक्विपमेंट वगैरह वो फ्री मिलेंगे। उसमें आप लोगों का ये खर्चा नहीं होएगा, ये कंपनी की तरफ से दिया जाएगा, होटल की तरफ से दिया जाएगा। प्लस और क्या आपको बेनिफिट इसमें मिलने वाले हैं वो भी थोड़ा नज़र मार लेते हैं। ओवरटाइम मिल रहेगा आपका इसमें, ओवरटाइम प्लस टिप रहेगी, वो पूरे होटल में डिवाइड होती है टिप का। जो जो भाई मेरे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से रिलेटेड है उन सबको मालूम है, पता है कि टिप को कैसे डिवाइड किया जाता है। 40+ टिप रहेगी और अदर बेनिफिट्स जो भी रहेंगे कंपनी बेनिफिट्स देती है कंट्री के अकॉर्डिंग। जो जो कंट्री है उसकी में जो भी लेबर बेनिफिट्स होते हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। ये बहुत फ्लाइट्स उड़ रही हैं, बहुत साउंड आ रही है, आपको सुन रहा होगा, ये फ्लाइट की साउंड है। तो आपका ड्यूटी टाइमिंग इसमें रहेगा 8 घंटा ड्यूटी का, ओके। प्लस इसमें 1 घंटा ब्रेक रहेगा, 8 घंटे ड्यूटी आपका, उसमें 1 घंटा ब्रेक रहेगा, ओके। तो 9 घंटा टोटल हो जाता है। और कौन कौन भाई इस पोस्ट में अप्लाई कर सकता है जो मैंने अभी बताई, जितनी भी मैंने अभी पोस्टें बताई उसके लिए कौन कौन भाई अप्लाई कर सकता है वो एक बार थोड़ा ध्यान से सुन लो। जिनके पास पासपोर्ट है वो भाई अपने एक बार पासपोर्ट में चेक कर ले, उसमें एक लिखा होता है फर्स्ट पेज पे ही होगा ECR ECNR लिखा होता है पासपोर्ट पे। इस पोस्ट के लिए ओनली ECNR पासपोर्ट वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। ECNR जिस पे लिखा हुआ है वही भाई इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अपने एक बार पासपोर्ट चेक कर लें, ओके। तो बात आती है अभी डॉक्यूमेंट्स के लिए।
कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो चलते हैं, आपको डॉक्यूमेंट्स बता देते हैं। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें आपका रिज्यूम चाहिए, आपका रिज्यूमे होना चाहिए, बहुत अच्छे से बना के आप रिज्यूमे सेंड करें। ये नहीं कि आप आधे पेज का रिज्यूम सेंड कर दें या फिर एक पेज का रिज्यूम सेंड कर। आप रिज्यूम में प्रॉपर अच्छे से डिटेल दें, या फिर अगर आपको नहीं बनाना आता है तो आप साइबर कैफे से बनवाएं। ये नहीं कि खुद ही बनाने लग जाओ और उसको अच्छे से प्रिपेयर ना कर पाओ, डेकोरेट ना कर पाओ रिज्यूम को। रिज्यूम आपका फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द गुड इम्प्रेशन होता है, तो आपका इम्प्रेशन ओनली रिज्यूमे से ही पड़ता है कि आपका क्या प्रोफाइल है, कैसा आपका रिज्यूमे है, उसी को देख के रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट किया जाता है। तो आप ज़्यादा फोकस अपने रिज्यूमे पे ही रखें कि आपका रिज्यूमे अच्छा होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। ओके, तो आपका रिज्यूम के बाद आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए आपके, फिर उसके बाद आता है एजुकेशन सर्टिफिकेट, जितने भी है सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स जितने भी होंगे आपके वो मेरे को भेजने हैं। फिर उसके बाद पासपोर्ट कॉपी चाहिए, करंट फोटोग्राफ्स चाहिए आपके, जो लेटेस्ट फोटोग्राफ्स हैं आपके वो चाहिए स्कैन फॉर्मेट में। ओके, स्कैन फॉर्मेट में आपके फोटोग्राफ्स चाहिए A4 साइज। बस फिलहाल ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो अप्लाई कैसे करें अभी, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि हमने वीडियो तो देख लिया लास्ट तक, बट अप्लाई कैसे करना है, सेंड किसको करने हैं डॉक्यूमेंट्स, ये तो मैं बता देता हूँ आपको। नोट कर लो मेरा ईमेल आईडी, आप मेरी ईमेल आईडी पे सेंड करना डॉक्यूमेंट्स को, nribhupendersingh@gmail.com। डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना, और वीडियो चल रही है उसके नीचे आप देख लो, वहाँ पे आ रहा है लिखा हुआ। आप मेरा व्हाट्सअप नंबर भी नोट कर सकते हो, व्हाट्सअप एंड कॉलिंग नंबर, आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो व्हाट्सअप के ऊपर। हाँ, मेरा नंबर नोट कर लो, +91, कोड है इंडिया का, और 00 भी लगा सकते हैं आप। जिसको +91 लगाना है वो +91 लगाएं, जिसको 00 लगाना है वो 00 लगा के मेरा नंबर सेव करके उस पर व्हाट्सअप मैसेज करें, व्हाट्सअप कॉल करें। ओके, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9459457457, 9459457457, 94594-57457। ओके, आप जो भी भाई है इस पर जो भी क्वेरीज होगी आपकी मेरे को पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज करके पूछ सकते हैं, ईमेल पे आप कर सकते हैं। ये फ्लाइट आ गया एक और, आप किसी भी टाइम पे मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा, एक दिन में मिलेगा, दो दिन में मिलेगा, तीन दिन में मिलेगा, बट आपको 101% रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, भले थोड़ा लेट मिले क्योंकि शेड्यूल बिजी चला है, अभी स्टाफ शॉर्टेज है तो इसलिए रिप्लाई करने में थोड़ा देर हो सकती है, बट 101% श्योरिटी है कि हाँ रिप्लाई आपको मिलेगा। आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, कुछ भी करो, बट जो भी भाई अप्लाई करने वाला है वो जल्दी से जल्दी मेरे पास रिज्यूमे अपने सेंड कर दें, ताकि आपके रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो सकें और आपको इंटरव्यू के लिए कॉल कर सकें। ओके, जो जो भाई वीडियो को देख रहा है और जो भी भाई अप्लाई करने वाला है उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं, ये आपकी जिम्मेवारी है। मेरा सिर्फ इतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिन भी भाइयों को नौकरी की तलाश है विदेशों में, उन तक पोस्ट को पहुंचाना। मैंने अपना काम कर दिया है, पोस्ट को मैंने डाल दिया है वीडियो में, बता दिया है मैंने पूरा डिटेल्स, क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं। मैं ओनली आपको एक वे ही बता सकता हूँ, एक तरीका बता सकता हूँ कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो फॉरेन के लिए, बाकी अप्लाई करना आपने है। बाकी वीडियो लंबा हो रहा है तो ज़्यादा बातें ना करके, वीडियो लंबा हो जाएगा तो इसलिए वीडियो को यहीं पे ही स्टॉप करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों तक पहुँचाए जिनको भी जॉब की ज़रूरत है इस टाइम। ओके, बाकी जिन जिन भाइयों का सिलेक्शन होएगा शॉर्ट लिस्ट में, जिनका नाम आएगा उनको कॉल के द्वारा बुलाया जाएगा, या उनको इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपका नेक्स्ट इंटरव्यू अब कब होएगा,
ओके। बाकी उसका अपडेट भी आपको मिलता रहेगा। दूसरी जॉब आएगी उसका भी मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा आप लोगों को। जो भी भाई मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन दबा लें ज़रूर, ताकि आप लोगों को सब नोटिफिकेशन मिल जाए जो भी मेरी वीडियो आती है। कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मैं आपका भाई हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ। ओके, थैंक यू।